हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। तो गाइस, आज हम आपको लेके आए हैं ग्रेटर मोहाली के अंदर इंडिपेंडेंट हाउसेस दिखाने, जिसका साइज है 100 स्क्वायर यार्ड। ये अपना 3 BHK है, 2 BHK हमारा ग्राउंड फ्लोर में है, 1 BHK हमारा फर्स्ट फ्लोर में। तो गाइज, अगर इसकी डायमेंशंस की हम बात करें तो 20x45 इसकी डायमेंशन है। काफ़ी अच्छा और यूनिक डिज़ाइन के साथ आपको ये घर देखने को मिलेगा। आई होप आपने मेरी सैंपल की वीडियोस तो देखी होगी काफ़ी बार। तो आज मैं आपको सैंपल ना दिखाते हुए अंडर कंस्ट्रक्शन घर दिखा रही हूँ। और यदि ये हमारी सैंपल कोठी है, इसी के साथ ही अभी ये वाली भी रेडी हो रही है। अगर आपको सैंपल हाउस बाय करना है तो वो भी हमारे पास अभी अवेलेबल है, और आप आके हमारी साइट विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं सैंपल की वीडियो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी, वहां पे आके आप चेक कर सकते हैं। तो गाइज, ये हमारा इंडिपेंडेंट हाउसेज है, थोड़ा सा डिफरेंट करा है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर में हमने वहाँ पे टफन ग्लास लगाया है, और इस साइड को हमने जो है पवे लगा रखे हैं, जो काफ़ी अच्छे और यूनिक डिज़ाइन के साथ बनाए हैं। अब इसमें प्रॉपर टाइल का वर्क अभी होना बाकी है। फाउंडेशन इसकी जो है 7 फिट नीचे से हमने कर रखी है। आप वीडियोज देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक मेंशन करा है, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये यहाँ पे प्रॉपर आपका मेन गेट रहेगा, मेन गेट के साथ ही सीधा अंदर होते ही आपका आ जाता है पार्किंग एरिया। तो यहाँ पे आप इजीली अपनी कार पार्क कर सकते हैं, छोटी कार। और इस साइड को ये आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक प्रोवाइड करवा रहे हैं, और मोटर का भी प्रोविजन है ताकि आप पानी जो है इजीली अपनी टंकी में चढ़ा सके। ये कॉर्नर विंडो आ जाती है, और इसी के साथ ही ये स्टेयर्स जाती है हमारी फर्स्ट फ्लोर के लिए। और स्टेयर्स के नीचे जो स्पेस है ये प्रॉपर अभी कवर होगा। यहाँ पे आप अपना सिलेंडर वगैरह लगाना चाहें वो भी आप लगा सकते हैं, कनेक्शन हमने ऑलरेडी अंदर से दे रखा है। ये एक यूनिक सा डिज़ाइन है, और इसी के साथ ही ये आ जाती है हमारी चौगाट, जो प्री पेंटेड गैनेलाइट शीट है। इसमें ना जंग लगता है ना दीमक लगता है आसानी से। और डबल डोर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक आपका नेट का डोर रहेगा, एक आपका वुडन का डोर रहेगा। गाइस, हम आपको इसीलिए वीडियोस दिखाते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि जो भी हम घर बनाते हैं उसमें कौन सा मटेरियल और क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं, वो आप देख सकते हैं। लाइव भी आके आप चेक कर सकते हैं हमारी साइट्स पे। और ये आ जाता है आपका लिविंग एरिया, जिसका साइज है 10x18 feet। एक बार मैं आपको साइज दिखा देती हूँ इसका, काफी स्पेशियस है। ये देखिए आप, प्रॉपर आपको कॉर्नर विंडो प्रोवाइड करवा रहे हैं, और यहाँ पे आप इजीली अपना सोफा विद टेबल आप इजीली प्लेस कर सकते हैं। और एसी के लिए बीच में आपको प्रोविजन दे रहे हैं, ऊपर की तरफ को प्रॉपर आपको डाउन सीलिंग रहेगी। और ये वाली वॉल देख सकते हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिफरेंट करा है। सैंपल में आपने देखा होगा कि वॉलपेपर लगाया है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा अलग कर रखा है। यहाँ पे हमने पीओपी का वर्क आपको बीच में दे रहे हैं। और सोफे के फ्रंट में ही आपको यहाँ पे एलसीडी पैनल मिलेगा प्रॉपर। और जो भी हम यहाँ पे आपको घर प्रोवाइड करवाएंगे उसमें हमारा सेमी फर्निश्ड घर रहेगा, जिसमें आपका टाइल का वर्क, वुडन का वर्क, वो सारी चीजें कंप्लीट होगी। अगर आप चाह रहे हैं कि अपने अकॉर्डिंग घर बनाना या अपने अकॉर्डिंग इंटीरियर सेट करना, उसका भी हमारे पास ऑप्शन है, वो भी आप आके चेक कर सकते हैं। बिकॉज हमारे ढांचे अभी ऑलरेडी डन है, तो उसके बाद आप इंटीरियर अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना सकते हैं। लाइक एलसीडी पैनल हो, या फिर आपने किचन अपनी बनानी हो, या फिर आपने बेडरूम बनाना हो। तो ये हमारा किचन है, मॉड्यूलर किचन। यहाँ पे प्रॉपर आपको एक वैनिटी प्रोवाइड करवाएंगे, और आपको प्रॉपर स्विचेस वगैरह दे रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसका जो साइज है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है साइज और स्पेस कितना है। 8x10 का ये साइज है आपके किचन का। और इसी के साथ ही ये हमारे 2 बेडरूम है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। साइज की बात करें तो 10x13 के कमरे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, और बोथ साइड स्विचेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। बेड के बैक में ही आपको पीओपी का वर्क मिल रहा है। स्प्लिट एसी के लिए बीच में प्रोविजन है, और विंडो एसी के लिए भी प्रोविजन है। कूलर लगाना चाहें वो भी आप लगा सकते हैं। और इस साइड को आते हैं, ये आपका एलसीडी पैनल, और इस साइड को ये आपके कवर सेक्शन प्रॉपर जो फुल हाइट तक रहेंगे। आप अपने चॉइस से अभी जो है डिजाइन कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं, बनान के हम आपको दे देंगे।
ये आ जाता है आपका वॉशरूम, जिसका साइज है 5x6 का, 8 फीट तक टाइल रहेगी। और प्रॉपर आपको यहाँ पे टॉवल होल्डर, गीजर का पॉइंट, शावर, टैप्स और जो भी हमारी बाथ फिटिंग रहती है सेरा ब्रांड की रहेगी। अगर आपने जैगुआर की लगानी है वो भी लग जाएगी, बट चार्जेस थोड़े से एक्स्ट्रा रहेंगे। तो अब चलते हैं हम सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम का सेम भी सेम एज इट इज है जैसे फर्स्ट बेडरूम का था। ये आप देख सकते हैं, स्पेस तो आपने देख लिया है, बाकी फर्नीचर बीच में नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको फर्नीचर बीच में दें तो उसका भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसीलिए बेटर यही होगा कि आप अपने चॉइस से अपना फर्नीचर लगाएं, बिकॉज घर बार बार नहीं बनते हैं, एक बार ही बनते हैं। तो आप अपने मनपसंद की चीजें आप अपने घर में लगा सकते हैं, वो हमने आपको अभी ऑप्शंस दे रहे हैं। तो गाइज आ जाता है वॉशिंग एरिया जो काफी स्पेशियस है। यहाँ पे आप अपना मशीन इजीली लगा सकते हैं और कपड़े वगैरह इजीली वॉश कर सकते हैं। गाइज अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं तो काफी अच्छी रेंटल इनकम आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। अगर आपने पूरी कोठी रेंट पे देनी है तो इसका जो रेंट आएगा हर महीने 30,000 के आसपास आपका रेंट आएगा। जैसे 2BHK, अगर आप सपोज 2BHK देते हैं विद फर्नीचर तो उसका रेंट आ जाता है अपना 20,000 के आसपास, और 1BHK का 10,000 के आसपास। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो ये आ जाती है हमारी बालकनी जो काफ़ी वाइड है, ये देख सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो कम बजट के इंडिपेंडेंट हाउसेस आपको ये सामने की तरफ को दिख रहे होंगे। साइज में थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा नहीं वैसे तो बहुत है, 18x50 के ये हाउसेस है। ये अपने ड्यूप्लेक्स हाउस है, इसकी वीडियो भी मैं आपको जल्द दिखाऊंगी। और ये आ जाता है आपकी कॉर्नर विंडो, और इसी के साथ ही यहाँ पे डिज़ाइन दिया है ताकि आपकी कोठी को एक अच्छी लुक मिले। तो इसी के साथ ही आ जाता है आपका किचन एरिया। किचन एरिया देखिए तो काफ़ी वाइड आपको किचन एरिया मिल रहा है, और यहाँ पे हमने रूफ पे थोड़ा सा प्लस माइनस का वर्क करा है जिसे आप देख ही रहे हैं। और हमने हॉल और बेडरूम का आपको कॉमन वॉशरूम दिया है। यह आ जाता है वॉशरूम, ये देखें आप, और इसी के साथ ही आ जाता है आपका बेडरूम। तो गाइज अभी इसमें फ्रंट में टाइल्स वगैरह तो लग रही है, और इसके बाद अंदर भी कुछ टाइम के बाद टाइल का वर्क स्टार्ट हो जाएगा, फिर टाइल वाला अपना काम कंप्लीट करके जाएगा, फिर वुडन का वर्क चालू होगा। तो आपके पास ऑप्शन है, आप अपने मनपसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइल वगैरह लगा सकते हैं। तो गाइज ये देख सकते हैं, ये हमने प्रॉपर वाटर बॉन्ड कर चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी आप इजीली अपना जो है 2 बेडरूम इजीली आप बना सकते हैं। ऊपर आपका टेरिस आ जाता है, ये स्टेयर्स जाती है टेरिस के लिए। तो गाइज काफ़ी अच्छी लोकेशन में आपको मिल रहा है, और यहाँ पे नियर बाय काफ़ी इंडिपेंडेंट हाउसेज है, लोग रहने के लिए आ गए, ऐसा नहीं है कि आप ही अकेले हैं। और आपको बीच में इस सोसाइटी में 2 पार्क मिल रहे हैं, और नियर बाय आपको डेली नीड्स की शॉप होगी, केमिस्ट की शॉप्स हो गई, वो सारी चीज़ें आपको बीच में मिली। गाइज इसका जो प्राइस है अभी रेडी टू मूव का वो 60 लाख है। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन घर लेते हैं, ढांचे ही लेते हैं, वो आपको पड़ेगे 52 के आसपास। तो थोड़ा बहुत जो भी है वो ऑन टेबल बैठ के नेगोशिएट कर देंगे, आपका भी मान रखेंगे। बाकी आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हमारे चैनल पे इसी तरह से बने रहें ताकि हम आपके लिए नई नई प्रॉपर्टीज़ लेते आएं, और आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हमारे खरड़ में प्रॉपर्टीज़ के क्या रेट चल रहे हैं। और इसी के साथ ही अलविदा लेते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।